हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल मॉम्स द रियल लाइफ जर्नी में। मेरा नाम है नीता कुमार। आज हम बात करेंगे, क्या सर्दियों में बच्चों की मालिश करनी चाहिए या नहीं। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों के स्टार्ट होते ही बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि कोल्ड, कफ, उनकी नाक बंद होना, छाती में आवाज आना, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं कि क्या बच्चों को मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये और भी बड़ी बात तब हो जाती है जब जो न्यू पेरेंट्स बने होते हैं वो और भी डरे होते हैं कि बच्चों की मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, इसका सिंपल सा आंसर है यस, सर्दियों में भी गर्मियों की तरह बच्चों की मालिश करनी चाहिए। गर्मियों की तरह सर्दियों में भी बच्चों की मालिश करने के अनेक फायदे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फायदा ये होता है कि इससे बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से बच्चों को गर्माहट मिलती है, बच्चों की मालिश करने से उनकी थकान दूर होती है, मसल रिलैक्स होती है, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। मालिश करने से एक और फायदा भी होता है कि बच्चों को एनर्जी मिलती है और बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। मालिश करने का एक और इम्पॉर्टेंट फायदा भी है कि इससे बच्चों की जो स्किन है बहुत मुलायम हो जाती है, उसमें ड्राइनेस खत्म हो जाती है, बच्चों की स्किन में नमी आ जाती है। तो बच्चों की रेगुलर मालिश करनी चाहिए। सर्दियों में मालिश करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, जिसमें कि पहला पॉइंट ये है कि आपका जो ऑयल है वो सीजन के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से ऑयल और सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से ऑयल। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको रूम टेम्परेचर पे बच्चों की मालिश करनी चाहिए। रूम टेम्परेचर आप कैसे देखेंगे, तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह के रूम टेम्परेचर वॉच आते हैं जो इजिली अमेजोन या आपके नियरेस्ट प्लेस पे मिल जाते हैं और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। थर्ड, अगर रूम आपका ज्यादा ठंडा है तो उसको गर्म करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए हीटर भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि विंटर में आपको सन के पीक आवर्स में बच्चों की मालिश करनी चाहिए। तो जनरली पीक आवर जो समझा जाता है 11 बजे से लेकर 1 बजे का टाइम समझा जाता है। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपके रूम में सनलाइट आती है तो आपको सिर्फ कर्टेन्स हटाने हैं और रूम को नेचुरली गर्म होने देना है मालिश के लिए। मसाज आपको 5 या 6 मिनट से ज्यादा नहीं करनी है। सेवन नंबर पॉइंट ये है कि मसाज करने के तुरंत बाद बच्चे को नहला देना चाहिए। होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मॉम्स द रियल लाइफ जर्नी। थैंक यू।